हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एलिवेटेड वाटर टैंक को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन कंटेंट के बारे में। अब आपको जब भी एलिवेटेड वाटर टैंक डिज़ाइन करनी है तो पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी अलग अलग तरह की एलिवेटेड वाटर टैंक होती है और उन वाटर टैंक के अंदर कौन कौन से ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें तो पहली टाइप के अंदर होती है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, दूसरी टाइप होगी सर्कुलर, तीसरी टाइप होती है इंस टैंक और चौथी टाइप होती है कोनिकल वाटर टैंक। तो कुल मिला के ये चार एलिवेटेड वाटर टैंक होती है। हम आज इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन करेंगे एक सर्कुलर वाटर टैंक को। कौन सी वाटर टैंक को? सर्कुलर वाटर टैंक को। तो इसीलिए हम पहले देख लेते हैं कि सर्कुलर वाटर टैंक के अंदर ऐसे कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है, और जो हम इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो अगर कंपोनेंट की बात करो तो देखिए आपके सामने एक यहाँ पर रफली फिगर ड्रॉ कर रखी मैंने ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए। ठीक है, पहले कंपोनेंट की अगर बात करें जो हमें डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है, उसमें है टॉप डोम या फिर आप इसे टॉप स्फेरिकल डोम भी कह सकते हो। दूसरा कंपोनेंट होता है टॉप रिंग बीम। तीसरा कंपोनेंट होगा टैंक वॉल या फिर आप इसे सिलिंड्रिकल वॉल भी कह सकते हो। चौथा कंपोनेंट होगा बेस स्लैब और पांचवा कंपोनेंट होगा बॉटम रिंग बीम। तो कुल मिला के ये पांच बेसिक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो हमें डिज़ाइन करने हैं। अब इन कंपोनेंट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना होता है ये हम एक एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल बहुत सुंदर और बहुत सरल है आपके सामने बिल्कुल। डिज़ाइन एन एलिवेटेड सर्कुलर वाटर टैंक विथ फ्लैट बॉटम एंड सपोर्टेड ऑन रिंग बीम विथ द फॉलोइंग डेटा। आपको बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल यहां पर दे रखा है, सवाल दे रखा है और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी इस सवाल के अंदर आपको दे रखे हैं। देखिए जितना इंपॉर्टेंट इस सवाल के जवाब को निकालना है, इस सवाल के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट या फिर मैं कहूँ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले सवाल को समझो प्रॉपरली। ठीक है, 100% उस सवाल को समझने की कोशिश करो। तो देखिए हम पहले सवाल की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक आपको ओवरहेड या फिर एलिवेटेड जो कहो वो डिज़ाइन सर्कुलर वाटर टैंक डिज़ाइन करनी है जिसका बॉटम जो है वो फ्लैट हो और ये सपोर्टेड किस पर हो? रिंग बीम पर। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन है तो इनका कोई ख़ास मकसद है, कोई ख़ास मतलब है, तभी यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। और स्पेसिफाई जब पर्टिकुलरली हम तब करते हैं जब उसके ऑप्शन में कोई दूसरी चीज़ अवेलेबल हो तब। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आपका नॉलेज इस टॉपिक के रिलेटेड बढ़े और आपको जब फर्दर हम किसी टॉपिक के बारे में किसी न्यूमेरिकल पर डिस्कस करें तब आपको एक आइडिया क्लियर रहे कि कौन कौन से तरह के अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किस लिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बॉटम के अंदर। तो बॉटम के लिए यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं बॉटम की। यहाँ पर आपको सवाल के अंदर देखा फ्लैट बॉटम, ठीक है, आपके लिए मैं एक दो रफली फिगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये फ्लैट बॉटम वाले टैंक हो गई, ओके, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉटम के ऊपर एक टॉप के ऊपर एक डोम होता है। ठीक है, टॉप डोम। दूसरी जो और इसका जो बॉटम होगा ये फ्लैट है। ठीक है, हम बात करें तो दूसरी तरह की टैंक की, तो दूसरी तरह की टैंक ये होगी और इसके ऊपर टॉप में भी एक डोम होगा, साथ साथ में इसके बॉटम के ऊपर भी एक डोम होगा। ठीक है, इसका बॉटम जो है वो फ्लैट नहीं होगा, इसका बॉटम कुछ इस तरह से होगा, ओके, ये बॉटम हुआ उसका, जिसके अंदर टॉप डोम तो है साथ में इसके अंदर बॉटम डोम भी है जिसकी हमें डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ दोनों के बॉटम के अंदर। तो ये जो दूसरी तरह की टैंक आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं इंस टैंक। ठीक है, ये कोई दूसरी या फिर नई या फिर कोई अलग से टैंक नहीं है, ये होती है इंस टैंक। ओके, अब इसकी डिज़ाइन किस तरह से करनी होती है ये भी हम कुछ अलग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि किस तरह से डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो आपको बेसिक यहाँ पे डिफरेंस पता हो जाना चाहिए। ओके, अब दूसरी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखिए सपोर्ट वाली, तो इसके अंदर है कि भाई रिंग बीम पर सपोर्टेड होना चाहिए। रिंग बीम का सपोर्टेड मतलब क्या? दूसरा कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर आप अपनी वाटर टैंक को सपोर्ट कर सकते हो? ठीक है, तो इसके लिए भी दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या तो अपनी आप वाटर टैंक को मेसनरी वॉल पर सपोर्ट करो, दूसरा ऑप्शन होता है या फिर अपने आप वाटर टैंक को कॉलम्स के ऊपर सपोर्ट करो। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन कब लागू होते हैं ये देख लीजिए। अगर आपके वाटर टैंक की हाइट बहुत ज़्यादा ना हो या फिर उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ना हो तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर मेसनरी वॉल से उसे सपोर्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको रिंग बीम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बॉटम रिंग बीम। ठीक है, लेकिन अगर आपकी टैंक जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर क्या करना होगा, मेसनरी वॉल से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको कॉलम एज अ सपोर्टिव मेंबर आपको कॉलम प्रोवाइड करने होगा और वो कॉलम आप डायरेक्टली
स्लैब बॉटम स्लैब से कनेक्टेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जो बॉटम स्लैब दिख रहा है यहाँ पर, ओके, ये जो बॉटम स्लैब दिख रहा हो, आप डायरेक्टली उस कॉलम को इससे सपोर्ट नहीं कर सकते हो, इसके कुछ डिमेरिट्स है। तो उनके कारण आप क्या करते हो, यहाँ पर एक बॉटम रिंग प्रोवाइड करते हो, बॉटम रिंग बीम, जिसके ऊपर आपके, जिसके नीचे आपके कॉलम जो है सपोर्टेड होते हैं, आपके कॉलम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये दो बेसिक डिफरेंस थे कि भाई रिंग बीम का प्रोवाइड करना होता है और मेसनरी वॉल का प्रोवाइड करनी होती है। तो आपको यहाँ सपोर्टेड इसलिए आपको ये चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है ताकि आप मेसनरी वॉल को सपोर्ट ना कर दे तब, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अपना एक अलग से इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए, आपको सवाल के अंदर नेक्स्ट क्या गिवन है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक है 4.5 लाख लीटर, ओके, 4.5 लाख लीटर की आपकी कैपेसिटी है टैंक की, और M30 कंक्रीट यूज़ करना है और Fe415 ग्रिड का आपको स्टील यूज़ करना है। ये आपको डेटा दे रखे है और सवाल अब पूछ रखा है कि आपको टॉप डोम को डिज़ाइन करना है, टॉप रिंग बीम को डिज़ाइन करना है, टैंक वॉल को डिज़ाइन करना है, बेस स्लैब को डिज़ाइन करना है और बॉटम रिंग बीम को डिज़ाइन करना है। कुल मिला के आपको सभी कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस कंपोनेंट को किस तरह से और किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, ओके। चलिए, एक ये डिज़ाइन प्रोसीजर जो है ये एक दूसरे के लिंक्ड होती है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसकी परफेक्ट प्रोसीजर पता चल जाए तो इसकी डिज़ाइन बिल्कुल सरल और सीधी है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो आपको डायमेंशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें सवाल के अंदर किसी डायमेंशन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर हमें एक हिंट दे रखी है, एक हेल्प कर रखी है वॉल्यूम देकर, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है वहाँ पर 4.5 लाख लीटर का, तो वो जो है हमें लीटर के अंदर दे रखा है, लेकिन हमें वॉल्यूम की ज़रूरत होती है मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इस अकॉर्ड इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली तो हमें उसे क्या करना होगा, 4.5 लाख लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर 450 मीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी मिलेगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम मिलेगा मीटर क्यूब के अंदर। चलिए, अब आपको पता है कि सिलिंड्रिकल वॉल हो या कंटेनर हो, इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, डी होता है इसके अंदर डायमीटर ऑफ दैट टैंक और एच मतलब हाइट ऑफ दैट टैंक, ठीक है। ये दो आपको पैरामीटर यहाँ पर है। अब दोनों भी अब तक अननोन है, दोनों आपको सवाल के अंदर नहीं दे रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम जो था 450 मीटर क्यूब वो यहाँ पे आपको गिवन था, और आपको डायमीटर और एच दोनों भी गिवन नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि दोनों में से किसी एक पैरामीटर को आप एज्यूम कर लीजिए और उसी के रिस्पेक्टिवली, उसी के अकॉर्डिंगली आप दूसरे पैरामीटर को निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आपको डायमीटर इतना ही लेना है या उतना, इसको कोई रेंज तो आपको गिवन नहीं है। तो हमने अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो हमने वहाँ पर जो है हाइट को एज्यूम कर रखा था और हाइट के रिस्पेक्टिवली हमने डायमीटर को निकाला था। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि डायमीटर को एज्यूम कर लेते हैं। आप यहाँ पर भी हाइट को एज्यूम कर सकते हो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम डायमीटर को एज्यूम करते हैं। तो डायमीटर मान ले 12 मीटर लेते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पर जो हाइट आपको मिलेगी वो 3.97 या फिर उसको हम अगर राउंड अप करें तो 4 मीटर की हम कह सकते हैं कि टैंक की जो हाइट है वो 4 मीटर की है और उसका जो डायमीटर है वो हमने 12 मीटर कंसिडर कर रखा है या फिर एज्यूम कर रखा है, जो आपको। तो बेसिकली आपको ये जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नोन हो चुकी है। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं टूवर्ड्स द डिज़ाइन प्रोसीजर। चलिए, अब पहला जो कंपोनेंट हमें डिज़ाइन करना है वो कौन सा है, डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम या फिर टॉप स्फेरिकल डोम। टॉप डोम आपको किस लिए डिज़ाइन करना है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। टॉप डोम नहीं बल्कि हर एक कंपोनेंट को किस लिए डिज़ाइन करना है, कौन से फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं या फिर कौन सी मोमेंट उसके ऊपर लग रही है या फिर जो भी चीज़ उसके ऊपर लग रही हो आपको पहले वो पता करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अगर डिज़ाइन करनी है तो आप बहुत सिंपल और आसान तरीके से बिना कन्फ्यूज हुए वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि टॉप डोम के ऊपर कौन कौन से ऐसे फोर्सेस लगेंगे जिसकी वजह से हमें वहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। चलिए, जब भी हम डोम की बात करें या फिर स्फेरिकल शेप दूसरे कोई कंपोनेंट की बात करें तो वहाँ पर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। हमारा जो डोम है ये स्फेरिकल है और यहाँ पर दो तरह के उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे। पहला फोर्स यहाँ पर होगा मेरिडियोनल फोर्स, नाम बड़ा प्यारा है इस फोर्स का, मेरिडियोनल फोर्स, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो होगा हुप टेंशन या फिर हुप फोर्स, ठीक है। हुप टेंशन या हुप फोर्स की बात हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कर रखी है। मेरिडियोनल फोर्स यहाँ पर नया है, मैं आपको बता दूं मेरिडियोनल फोर्स क्या होता है। जब भी या फिर जो भी स्फेरिकल या फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल डिरेक्शन के अंदर एक फोर्स
प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स एक्ट होता है, उसे हम मेरिडियनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो है मैक्सिमम जो है सपोर्ट पर होता है। कहाँ होता है? मैक्सिमम सपोर्ट पर होता है। ओके, अब क्योंकि दोनों भी जो है टेंशन फोर्सेस होते हैं तो हम दोनों को टी से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम एक जो है मेरिडियनल फोर्स को T1 मान लेते हैं और हुप टेंशन को हम यहाँ पर T2 मान लेते हैं, और मेरिडियनल फोर्स को हम मेरिडियनल थ्रस्ट भी कह सकते हैं। इसलिए कन्फ्यूज ना हो, अगर आप अपने मटेरियल से पढ़ोगे तो मे बी वहाँ पर थ्रस्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए, तो दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। अब इन दोनों फोर्सेस को आपको कैलकुलेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर स्टील प्रोवाइड करना होगा। सिंपल ये प्रोसीजर है, अगर आपने इतना कर लिया तो डोम की डिजाइन कंप्लीट हो गई। चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों फोर्सेस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बात कर ले पहले मेरिडियनल फोर्स की। तो मेरिडियनल फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये पहले ये ना हमें समझना होगा, उसके बाद इसे कैलकुलेट करके स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के हमें स्टील प्रोवाइड करना होगा। चलिए बात करते हैं इसको किस तरह से निकाला जाए। T1 दैट इज अवर मेरिडियनल फोर्स, T1 को फाइंड आउट किया जाता है इस एक्सप्रेशन से, दैट इज स्मॉल W इंटू कैपिटल R डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, और इसके अंदर जो भी सारी चीजें अननोन है वो आपको पहले नोन करनी होगी, और उसके नोन करने के बाद आपको इस फोर्स को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलिए, तो एक आपको अब अगर ध्यान दोगे तो आपको क्या है, ये फॉर्मूला पता चल गया, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको अपने आप फिर फर्दर डिजाइन प्रोसीजर पता चल जाएगी। भाई मुझे W फाइंड करना है, R फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर T1 कैलकुलेट करना है। तो ये आपको प्रोसीजर एक कंप्लीटली पता चल रही है, यहाँ पर लिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से। चलिए हम बात करते हैं T1 की। तो इसमें W है, स्मॉल W क्या होता है? स्मॉल W मतलब डोम के ऊपर आने वाला लोड, या फिर डोम की खुद की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लोड लगेगा, तो ये जो टोटल लोड होगा ये कितना है ये हमें निकालना है। तो डोम के ऊपर यहां पर हम लाइव लोड कंसिडर करना होता है हमें, कितना? 1.5 kN/m². अब लाइव लोड आप सोचोगे कि डोम के ऊपर तो कोई बंदा रहने वाला नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम लाइव लोड क्यों कंसिडर करेंगे? तो ये होता है सेफ्टी के लिए, कि मान लीजिए फ्यूचर में इंस्पेक्शन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर दूसरे किसी और पर्पस के लिए किसी बंदे को, किसी वर्कर को ऊपर जाने की जरूरत पड़े, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पर सेफ्टी को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर 1.5 kN/m² लाइव लोड ले लेते हैं। दूसरा जो लोड होगा उसका खुद का लोड होगा, उसका खुद का वेट होगा, वो कितना है, सेल्फ वेट कितना है? तो सेल्फ वेट हम अगर निकालना है तो थिकनेस इंटू डेंसिटी होती है फॉर्मूला उसका, ठीक है। थिकनेस यहाँ पर कितनी होगी? तो थिकनेस तो हमें सवाल के अंदर दे नहीं रखी है, ओके, ना उसका कोई पैरामीटर है। हाँ, उसकी एक रेंज है हमारे पास, उसकी एक रेंज है कि हम 75 mm से लेके 100 mm तक उसकी थिकनेस को वेरी कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, कि उसकी थिकनेस जो है 100 mm एज्यूम कर लेते हैं। तो 100 mm को अगर मान के चले तो यहाँ पर जो सेल्फ वेट होगा वो 0.10 meter के अंदर, ठीक है, इंटू 25, ये कॉन्क्रीट की डेंसिटी हो गई, तो 2.5 kN/m² आपके ये सेल्फ वेट आ रहा है डोम का। चलिए अगर इसको समेशन करें हम, तो आपको टोटल लोड जो है वो कितना मिलेगा, 4 kN/m². सिंपल, आपको क्या मिला, ये स्मॉल W की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब बात करते हैं हम कैपिटल R की। तो कैपिटल R क्या होता है, तो काफ़ी सारे बंदे इसमें क्या करेंगे, कैपिटल R इज नथिंग बट द डायमीटर बाय 2, ठीक है, लेकिन नहीं, ये डायमीटर बाय 2 नहीं है, ये टैंक का रेडियस नहीं है, ये क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक रफली फिगर ड्रॉ कर रखी है ताकि क्लियर हो हर चीज़ यहाँ पर। देखिए, ये जो डोम आपको प्रोवाइडेड है, ये हमने इसके अंदर जो डोम आता है, तो इस डोम का अगर हम एक सर्कल कंप्लीट करें, ठीक है, तो इस तरह से आप ये सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन इससे मान लीजिए सर्कल है, ओके, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसके आउटर फेस तक, ठीक है, मतलब ये सर्कल का रेडियस, इन शॉर्ट, ओके, इस सर्कल का रेडियस ये होता है कैपिटल R। हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डोम, डोम का जो कर्वेचर है उसका रेडियस, इसे हम कैपिटल R कहते हैं। अब इस कैपिटल R को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, तो चलिए कैपिटल R का फॉर्मूला होता है D/2² + H² / 2 × H, ये फॉर्मूला होता है R को फाइंड करने का, ठीक है। अगर आपका मैथ्स कच्चा है तो आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, रट लीजिए, ये बहुत सिंपल, वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और हाँ, इसके अंदर आगे भी कुछ फॉर्मूले आएंगे तो वो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ऐसे ही एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाओगे तो वो फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, फॉर्मूले बिल्कुल आसान से है और लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है, एज्यूम्ड नहीं है। चलिए, तो D/2² + H² / 2 H ये आपको रेडियस देगा इस सर्कल का, ओके। अब इसके अंदर एक नई टर्म यहाँ पर ऐड होती है, दैट इज स्मॉल h। स्मॉल h क्या है? तो स्मॉल h इज नथिंग बट द राइज ऑफ डोम।
डोम की जो राइज है सेंटर से हम देखें कि भाई टॉप जो है डोम का वो यहाँ से कितनी दूर है, मतलब हाइट कितनी है, ओके राइज कितना है इस लेवल से, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल एच। ओके, अब ये एच किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो इसे हम एज्यूम करते हैं 0.2 इंटू डी। कई सारे अगर आप दूसरे मटेरियल को प्रीफर करोगे तो वहाँ पर अलग अलग एजम्पशन होते हैं। एजम्पशन देखिए कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, इन केस रेयरली ये एक जैसे सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन एजम्पशन क्या है, अपने अपने कंडीशन रिक्वायरमेंट या फिर पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, ठीक है, एजम्पशन होते हैं। इसलिए तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत है या फिर वो गलत है, एजम्पशन जो है वो अपने हिसाब से अपने तरीके से सही होते हैं क्योंकि वो एज्यूम्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 इंटू डी ले लेते हैं हम, चलिए, तो यहाँ पर हाइट की जो राइज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डोम का जो राइज होगा वो कितना होगा, 2.4 मीटर, ओके। चलिए तो ये 2.4 मीटर की वैल्यू आप सिंपली यहाँ रख दीजिए तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी इसको कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज 8.7 मीटर, ठीक है। तो आपको W मिल चुका है, R मिल चुका है। अब बात करते हैं हम cos थीटा की, थीटा आपको पहले निकालना होगा, ओके। थीटा क्या है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, ये जो आप एंगल देख रहे हो, ठीक है, ये है थीटा। चलिए अब इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए अगर हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किस तरह से निकलती है, देखिए sin थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा हम साइन थीटा फाइंड करें तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है यहाँ पर डी बाई टू और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा 6/8.7 या फिर हम थीटा देखें अगर साइन इनवर्स ऑफ 6/8.7 मतलब थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 43.60 डिग्री। अगर हम कॉस थीटा निकाले इसके ऊपर से, दैट इज कॉस 43.60 डिग्री इज इक्वल टू 0.724, तो कॉस थीटा आपको इजीली यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब क्या है, T1 की वैल्यू अब मिल जाएगी आसानी से, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो। चलिए अब हम सिंपली यहाँ से T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 20.18 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। ये मेरिडियनल फोर्स या फिर मेरिडियनल थ्रस्ट आपको पता चल गया। अब इस फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना है और उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल है ये तो, ठीक है, कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। मेरिडियनल स्ट्रेस यहाँ पर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स हमारे पास जो टेंशन फोर्स था 20.18, इसे हमें न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10^3 करना होता है, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया किसका होगा, तो डोम का एरिया होगा, कितना होगा, ठीक है, तो बी इंटू डी होता है, जनरली एरिया जो होता है वो बी इंटू डी होता है यहाँ पर, तो बी मतलब हम पर मीटर के लिए करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो बी यहाँ पर 1 मीटर के लिए मतलब 1000 mm हो जाएगा इंटू ये डी जो है, डी क्या होगा, डी इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ डोम जो हमने एज्यूम की थी, कंसिडर की थी 100 mm, तो आपको डी यहाँ पे रख देना है बस। आपको इस तरह से क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरिडियनल स्ट्रेस मिल जाएगा, तो मेरिडियनल स्ट्रेस आपको 0.202 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ पे मिल रही है इसकी वैल्यू। अब क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको स्टील प्रोवाइड करना होगा, लेकिन लेकिन आपको IS 3370 पार्ट 2 के अंदर टेबल 2 में M30 कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर कितनी है वो दे रखी है, दैट इज 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कि भाई अगर कंक्रीट के अंदर 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की स्ट्रेस आ रही है या फिर इससे कम आ रहे हैं तब आपको वहां पर रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे एक्सीड कर रहे हैं आपकी वैल्यू तब आपको रिक्वायर्ड स्टील प्रोवाइड करना होगा। तो यहां पर हम अगर हमारी कंडीशन देखें तो ये 8 से तो बहुत ज्यादा कम रकम है, ठीक है, 0.202 है और ये 8 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारा जो डोम है वो इस स्ट्रेस के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए सेफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर बिल्कुल ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें वहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा लेकिन मिनिमम, दैट इज़ अवर 0.24%, कितना करना होगा हमें 0.24% रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। इसका मतलब ये कितना होगा, 0.24 / 100 × 1000 × 100, दैट इज़ थिकनेस ऑफ डोम, तो ये 240 mm² इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप 8 mm प्रोवाइड करो, 10 mm प्रोवाइड करो, आपकी मर्जी, ओके। और यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो और AST भी यहाँ पर आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड दैट इज 251। काफ़ी सारे बंदों का ये डाउट होता है कि आप AC प्रोवाइडेड कहाँ से ले आते हो, ठीक है, तो मैं ऐसे बंदों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वीडियो को स्किप
किए बिना देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पता चलेगी। कई सारे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने ये बार बार चीज़ें रिपीट की है कि जब भी आपको AST प्रोवाइडेड यूज़ करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ पाई बाय 4 डी स्क्वायर डिवाइड बाय स्पेसिंग इनटू 1000। तो इससे आप क्या कर सकते हो, AST जो आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर प्रोवाइड किया है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, तो ये हमने क्या किया कि मेरिडियनल फोर्स के लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि कितना स्टील लगेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा था, वो है हुप फोर्स या फिर हुप टेंशन। तो ये कितना है हुप फोर्स यहाँ पे है, उसे हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। दैट इज अवर T2 का फॉर्मूला होता है W इंटू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट cos थीटा माइनस 1/1 प्लस cos थीटा। ये एक्सप्रेशन होता है T2 मतलब हुप फोर्स को फाइंड आउट करने का इन केस ऑफ सर्कुलर एलिवेटेड वाटर टैंक। तो यहाँ पर हमें क्या है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है, W की वैल्यू, R की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो सारी चीज़ें अगर यहाँ पर रखोगे तो आपको इसके वैल्यू मिलेगी 5 kN/m। ओके, आपको हुप फोर्स या फिर हुप टेंशन यहाँ पर मिल चुका है। इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना होगा, 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1000 × 100, दैट इज इक्वल टू 0.05, दैट इज़ टू मच लेस देन 8। ओके, तो यहाँ पर भी क्या स्ट्रक्चर हमारा सेफ है। इसके लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 0.24% स्टील फिर से प्रोवाइड करेंगे इतने ही डायमीटर का जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, 8 mm डायमीटर, तो यही आपका सेम स्टील इसमें प्रोवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से टॉप डोम को डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसीजर थी, परफेक्ट प्रोसीजर थी जो आपको फॉलो करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, वो है डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम। ओके, अब टॉप रिंग बीम को किस लिए डिज़ाइन करना होता है, पहले ये समझ लीजिए। टॉप रिंग बीम को हमें जो मेरिडियनल फोर्स होता है उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट से लग रहे टेंशन की वजह से डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, समझ में आपको बात ये कि जो आपका मेरिडियनल फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका T1 cos थीटा होगा। तो बीम के अंदर, रिंग बीम के अंदर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हुप टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये उसके पूरे रेडियली, मतलब रेडियली लगेगा उसको। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उस बीम के ऊपर टेंशन क्रिएट होगा। अब वो टेंशन कितना होगा ये आपको निकालना होगा। उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि इस T1 की वजह से, मतलब मेरिडियनल फोर्स की वजह से कितना लोड वहाँ पर, कितना फोर्स वहाँ पर हो रहा है, लग रहा है उस बीम के ऊपर। दैट इज W इज इक्वल टू T1 cos थीटा। क्या होगा, T1 cos थीटा। ओके, तो T1 cos थीटा क्या होगा, कितना होगा आपका, 20.18 × 0.74। ठीक है, या फिर 0.724 होगा। ठीक है, तो अगर आप W की वैल्यू देखें, मतलब 14.61 kN/m आ रही है। तो आपको इस लोड को कंसिडर करके वहाँ पर हुप टेंशन निकालना होगा बीम के अंदर, और उस हुप टेंशन के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर स्टील प्रोवाइड करना होगा। देखिए, अगर हम बात करें टोटल हुप टेंशन इन बीम, दैट इज़ W × D/2। ठीक है, ये D क्या है, दैट इज़ डायमीटर ऑफ आवर टैंक। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर टोटल हुप टेंशन की, 87.66 kN। सिंपल, ये टोटल हुप टेंशन लग रहा है। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंगली आपको कितना रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ये अगर आपको निकालना है। देखिए, एक चीज़ को ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए कि जब भी आपको टेंशन के लिए AST प्रोवाइड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा T/σST, और अगर आपको मोमेंट के लिए करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, ताकि आपको मैंने ये आपको पहले इसलिए क्लियर कर दी कि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला अलग होता है, क्योंकि आप वो मोमेंट के लिए कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको IS कोड ने अलग रिकमेंडेशन किए हैं। चलिए, हम बात करते हैं टेंशन के लिए। तो T/σST, और σST की वैल्यू आपको पता है 130 होती है M30 कॉन्क्रीट के लिए और Fe415 स्टील के लिए। ठीक है, तो ये σST 130 हो जाएगा, और T की जो वैल्यू है वो आपको अभी पता है, आपने फाइंड कर रखी है। तो 674.30 mm² आपकी वैल्यू आ रही है AST की इस पर्टिकुलर टेंशन के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 mm डायबर 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आप 12 लो, 10 लो, 8 लो, आपकी मर्जी, आपकी रिकमेंडेशन, आपकी रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये क्या किया हमने, टॉप रिंग बीम के अंदर स्टील प्रोवाइड किया, लेकिन टॉप रिंग बीम की डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि अभी टॉप रिंग बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है वो आपको पता नहीं है। आपने स्टील तो प्रोवाइड कर लिया उस टेंशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये स्टील आप कितने एरिया के अंदर, कितने क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको ये प्रोवाइड करना है, ये अभी आपको पता नहीं है। तो वो भी आपको पता करना होगा। अब वो किस तरह से पता किया जाता है, देख लीजिए।
अगर आपको वो फाइंड करना है कि भाई डायमेंशन क्या होगी इसके, विड्थ क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, IS 456 के अंदर पेज नंबर 80 के ऊपर एक रिलेशन, एक एक्सप्रेशन गिवन है कि भाई टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट के अंदर वो कितना है, सिग्मा सी टी उसके हम डिनोट करते हैं, सिग्मा सी टी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर टी अपॉन ए जी प्लस एम माइनस वन इंटू ए एस टी, ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन फॉर्मूले के अंदर गिवन है IS कोड के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, टी हमें पता है, टी इज नथिंग बट टेंशन, ठीक है। एजी क्या होता है, एजी होता है ग्रॉस एरिया, दैट इज बी इंटू डी, एजी क्या होता है ग्रॉस एरिया बी इंटू डी, ओके। एम होता है मॉड्यूलर रेशियो और एएसटी जो आपने प्रोवाइड किया है वो है, इट इज प्रोवाइडेड, ओके, रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान रखे। तो अब हमें क्या करना होगा, सिग्मा सीटी की वैल्यू और एजी की वैल्यू, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा सीटी जो है आपको IS 3370 पार्ट टू के अंदर ये सारी चीज़ें गिवन है कि आपका M30 कंक्रीट हो, तो सिग्मा सीटी की वैल्यू मतलब परमिसिबल लिमिट वहाँ पर गिवन है कि भाई 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको IS कोड ने बाकायदा ये चीज़ बता रखी है, ओके, कि टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर 1.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए M30 कंक्रीट के लिए, सिंपल, आप वहाँ पर उस IS कोड के अंदर जाके देख सकते हो। चलिए, तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई इसकी वैल्यू 1.5 होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं बी और डी की, तो दोनों भी यहाँ पर बीम के लिए अननोन है, ना आपको डी पता है ना आपको बी पता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करना होगा, आपको SS कोड यूज़ करना होगा। IS कोड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड, और SS कोड मतलब सेल्फ स्टैंडर्ड कोड, मतलब एज्यूम करने वाला कोड, ठीक है, उसके अंदर सारी एज्यूम वैल्यू होती है, ओके। तो अब बात करते हैं हम एज्यूम्ड वैल्यू की, तो यहाँ पर करना क्या होगा, एजम्पशन लेना होगा कि भाई बी को हम मान लेते हैं 250 mm, क्या करते हैं हम यहाँ पे बी को 250 mm मान लेते हैं हम यहाँ पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बी को ही यहाँ पे कंसिडर करना है, आप डी को भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे बी को एज्यूम कर लेते हैं भाई 250 mm है, चलिए, तो बी को 250 mm मान लेते हैं। तो अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर एक ही वैल्यू अननोन है, एक ही पैरामीटर अननोन है, दैट इज डी, बाकी सारी चीज़ें नोन है। एक रिलेशन आपको यहाँ से पता चल गया कि ये जो वैल्यू है पूरी ये 1.5 से कम होनी चाहिए एज पर IS 3370, ठीक है। चलिए, इसे अगर हम सॉल्व करें फर्दर, देखिए आपको, हाँ, और बाकी सारे बंदों का जो लोग नए हैं पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन भी होगा कि भाई मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, एम वगैरह, तो अगर आपको देखना है तो पार्ट वन आप इस सीरीज़ का ज़रूर देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फिर ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। पार्ट वन के अंदर मैंने ये सारे जो कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बिल्कुल डिटेल में सिंपल तरीके से IS कोड के रेफरेंस के साथ डिस्कस किए हैं, डिटेल में बिल्कुल आपको समझा रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर जाके कृपया उस चीज़ को एक बार प्रीफर करें। चलिए, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 9.33 होती है, 9.33-1, और जो आपने AST प्रोवाइड किया था 753, तो यहाँ पर आपको वो रख देना है, सिंपल। तो इसे आप इतनी वैल्यू कर कैलकुलेट करो तो आपको ये 6272.49 मिलेगा, हो गया सिंपल। चलिए, बहुत बढ़िया, तो ये क्या हुआ, हमें छोटा, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, हम इसे और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज 87.66 इंटू 10^3। हमने क्या किया यहाँ पर सिंपली कि 87 को यहीं रहने दिया, ठीक है, इस 87 को यहीं रहने दिया, इस 250 इंटू डी को 1.5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए, प्लस इस वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए, ठीक है, यही हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे स्पेसिफाई कर दिया है। चलिए, तो क्या किया हमने यहाँ पर, इस तरह से इसे मॉडिफाई किया और इस चीज़ को हम इधर ले गए, मतलब 87.66 × 10^3 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, ये माइनस में चलेगी इधर आके, और ये जो इन दोनों का जो माइनस होगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड बाय 375 कर देंगे, ठीक है, इन दोनों के आंसर को 87.66 × 10^3 माइनस 9408 डिवाइड बाय 375, तो आपको डी की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगी आपको 208.67, मतलब ये है कि डी की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, डी की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू 300 मान लेते हैं, ओके, ये आपको एक बेंचमार्क मिला है यहाँ पे, ओके, अल्टीमेटली कि आपको डी की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 208.67 है, मतलब आपको यहाँ पर अब 300 लो, 250 लो, आपकी मर्जी, ठीक है, तो हम यहाँ पे 300 mm लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो साइज ऑफ बीम है वो निकाल ली, यहाँ पर वो कंक्लूड कर लिया, दैट इज 250 mm बाय 300 mm, ओके, यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए,
तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपने क्रॉस सेक्शन तो निकाल लिया, लेकिन क्योंकि बीम है तो बीम के अंदर क्या होता है, शीयर प्रोड्यूस होता है, तो हमें वर्टिकल वहाँ पर स्टीरअप प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पता, अगर आप साइड पे भी गए होगे प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आपको रिंग्स प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो वो रिंग क्या होती है, वो स्टीरअप होती है, वर्टिकल स्टीरअप होती है। अब वो वर्टिकल स्टीरअप कितनी होती है, तो जनरली हम 8 डायमीटर की यूज़ करते हैं, 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है। अब ये 2 लेग क्या होता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर अच्छी तरह से बता रखा है कि 2 लेग स्टीरअप क्या होता है, ठीक है। फिर मैं बता दूं आपको, मैं ये मान लीजिए आपकी रिंग है वर्टिकल स्टीरअप, ये वर्टिकल रिंग है, ठीक है। तो ये एक लेग हुआ इसका, और इस तरह से ये दूसरा लेग, तो ये जो 2 लेग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं 2 लेग स्टीरअप। क्या कहते हैं इसे, 2 लेग स्टीरअप। चलिए, तो ये आपको क्या करना होगा, शीयर के लिए यहाँ पर 8 mm डायबार के 2 लेग स्टीरअप वर्टिकली प्रोवाइड कर देने होंगे। अब ये वर्टिकल स्टीरअप कितने स्पेसिंग पर आपको प्रोवाइड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वर्टिकल स्टीरअप आपको कितने स्पेसिंग पे, मतलब इन दोनों के 2 स्टीरअप अगर प्रोवाइड करें तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस या फिर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपको निकालना होगा। तो ये किस तरह से निकाला जाता है, तो इसके लिए भी आपको IS 456-2000 के अंदर पेज नंबर 48 के ऊपर एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। वहाँ पर आपको बता रखा है कि वर्टिकल स्पेसिंग जो होती है स्टीरअप के बीच में, सॉरी वर्टिकल स्टीरअप के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए दिस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 0.87 इंटू FY इंटू ASV डिवाइड बाई 0.4 इंटू B। यहाँ पर FY क्या होता है, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, दैट इज 415 गिवन इन अवर क्वेश्चन। ASV क्या होता है, तो ASV इज नथिंग बट द एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है। एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप जो हमने प्रोवाइड किया, जो हमने बार प्रोवाइड किए थे वर्टिकल स्टीरअप बार, उसका एरिया होगा, ठीक है। ये वो किस तरह से निकाला जाता है, तो इसका आपको पता है एरिया कितना होता है, पाई बाय 4D2, क्योंकि वो 2 लेग स्टीरअप था तो हमें इंटू 2 करना होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 100.53 mm² आ जाएगी, सिंपल हमने ASV यहाँ से निकाल लिया। तो और B की जो वैल्यू हमने वहाँ पर कंसिडर कर रखी थी, ठीक है, 250 mm, तो आपको ये लेनी है 250 mm। सिंपल सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नोन हो चुकी है, तो आप इनसे कैलकुलेट करोगे तो SV की वैल्यू, मतलब जो वर्टिकल स्पेसिंग मिलेगी आपको, वो कितनी मिलेगी, वर्टिकल स्टीरअप के बीच में स्पेसिंग 362.96 mm। ये आपको एक कैलकुलेट की हुई वैल्यू मिल चुकी है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको IS कोड फिर से एक लिमिट प्रोवाइड करता है स्पेसिंग के लिए, कि आपको इन दोनों कंडीशन के लिए पहले कैलकुलेट करना होगा, इन दोनों कंडीशन के अंदर से जो भी वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर होगी, वो आपको वहाँ पर एज ए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ दैट वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करना होगा। चलिए, तो अब ये 2 कंडीशन आपको IS कोड ने गिवन है, 0.75 × D और 300। यहाँ पर जो D है ये डायमीटर ऑफ टैंक नहीं है, बल्कि जो डेप्थ हमने कैलकुलेट की थी रिलेशन के ऊपर से सिग्मा सिटी, तो वो डी है, ठीक है। ये 300 mm हमारी आई थी, ओके, हमने अभी देखा प्रीवियसली, तो आपको वो 300 mm टू 0.75 करोगे आप, तो आपको 225 mm मिलेगी वैल्यू, और जो दूसरा कंडीशन है वो 300 mm है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है भाई, 225 mm। तो आपको एज पर IS कोडल रिकमेंडेशन 225 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर आपको 8 mm डायाबार 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करने हैं। सिंपल ये तरीका था डिज़ाइन करने का टॉप रिंग बीम को। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर। उससे पहले जो भी हमने डिज़ाइन किया है टॉप रिंग बीम और जो डोम था, वो उसके अंदर रेनफोर्समेंट किस तरह से कितना कहाँ प्रोवाइड करना है वो अब देख लीजिए, इसका स्केच थे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, सारी चीजें। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी हम मेरिडियनल फोर्स के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं टॉप डोम के अंदर, हम टॉप डोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम मेरिडियनल स्ट्रेस के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें रेडियली प्रोवाइड करने होते हैं। रेडियली मतलब क्या होता है, ये जो आप बार देख रहे हो, ठीक है, ये बार आप सारे देख रहे हो, तो ये अंदर की तरफ गए हुए, ठीक है, सीधे अंदर की तरफ गए हुए, तो इसे हम कहेंगे रेडियली, ओके। और ये जो आप दूसरा बार देख रहे हो, ठीक है, इसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंशियली, और ये हम हुप स्ट्रेस के लिए लगाते हैं इस तरह से। हुप स्ट्रेस के लिए आपको सर्कमफेरेंशियली बार प्रोवाइड करने होते हैं, और मेरिडियनल स्ट्रेस के लिए आपको रेडियली बार प्रोवाइड करने होते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज़ है, और आपको कई बार ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको वाइवा वगैरह में ये भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि मेरिडियनल फोर्स के लिए आपको किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, और हुप फोर्स के लिए आपको किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की डिज़ाइन की ओर, दैट इज डिज़ाइन ऑफ टैंक वॉल या फिर सिलिंड्रिकल वॉल। अब इस तरह की वॉल को डिज़ाइन करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस वॉल को किस लिए डिज़ाइन किया जाएगा, मतलब कौन सा फोर्स, कौन सा टेंशन वहाँ पे एक्ट करेगा जिसके लिए आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो अब ये टैंक वॉल है,
आपकी टैंक एलिवेटेड है और एलिवेटेड टैंक के आउटसाइड किसी कोई तरह का वहाँ पर सॉइल प्रेशर नहीं है। मतलब क्या है, केवल यहाँ पर प्रेशर जो लगेगा वो टैंक के अंदर से जो पानी होगा वही लगाएगा टैंक की वॉल के ऊपर प्रेशर टेंशन, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, उस टेंशन को, उस प्रेशर को कैलकुलेट करना होगा और उस टेंशन के अकॉर्डिंगली आपको जो है स्टील प्रोवाइड करना होगा। ओके, अब ये स्टील जो आप प्रोवाइड करते हो तो आपको यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपकी एक वॉल है, ठीक है, तो इस वॉल के अंदर आपको जितना आप स्टील बेस पर प्रोवाइड कर रहे हो उतना यहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है, इसके पीछे एक फंडा है, एक लॉजिक है, एक कंसेप्ट है कि जो भी आपका प्रेशर होता है वो बेस पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो है मैक्सिमम होता है बेस पर। आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी वाटर के अंदर कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर नीचे गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर जो है पानी का बढ़ता जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेस पर जो है मैक्सिमम प्रेशर होगा और टॉप के ऊपर जो है मिनिमम प्रेशर होगा। अब मान लीजिए आप बेस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हो तो आप बेस पर जितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे उतना ही रिइंफोर्समेंट अगर आप टॉप पर प्रोवाइड करते हो तो ये जो है वेस्ट ऑफ मटेरियल है टॉप पर रिइंफोर्समेंट इतना प्रोवाइड करना, वेस्ट ऑफ मटेरियल है, इससे आपके इकोनॉमी के अंदर काफ़ी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि जिस हाइट पर जितनी ज़रूरत है उतना ही स्टील वहाँ प्रोवाइड करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि पर्टिकुलर हाइट के ऊपर मान लीजिए टॉप से 1 मीटर है तो यहाँ पर आप टेंशन कैलकुलेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली स्टील प्रोवाइड कीजिए। 2 मीटर की हाइट है, यहाँ पर आप टेंशन कैलकुलेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली स्टील प्रोवाइड कीजिए। साइमल्टेनियसली आप जो है 3 और 4 मीटर के लिए जो भी हाइट आप कंसिडर कर रहे हो उस हाइट के लिए टेंशन को कैलकुलेट करके उसी के अकॉर्डिंगली आप स्टील प्रोवाइड करो। यही स्मार्टनेस है, यही इंजीनियरिंग है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग हाइट के लिए डिज़ाइन करना होगा। तो क्योंकि हमें अलग अलग हाइट के लिए इसे डिज़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हाइट को जो है यहाँ पर अभी कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें हाइट क्या है, वेरिएबल करनी है, तो हाइट को वेरी करने के लिए हम हाइट यहाँ पर कांस्टेंट रख देते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं जो कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल, ठीक है, वो आपको क्या करनी होगी यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। मतलब वाटर की डेंसिटी तो थ्रू आउट वही रहेगी, ठीक है, 10। उसके बाद जो डायमीटर आपका टैंक का है वो भी वही रहेगा, 12 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये आपको फॉर्मूला समझ याद रखना होगा, ठीक है। जब भी आप टेंशन बेस पर निकालोगे पानी की वजह से, ठीक है, वो कितना होता है, गामा डबल इंटू कैपिटल एच इंटू डी बाय 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 60 × h किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, एच के फॉर्म में आपको टेंशन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और आपको AST अगर निकालनी है तो AST क्या होगा, टेंशन के लिए अगर आपको AST प्रोवाइड करनी है तो वो होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि T/σST, σST की वैल्यू 130 होती है M30 कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर T की वैल्यू आप रख दीजिए 60 × h डिवाइड बाई 130 इंटू 10³ करना होगा क्योंकि न्यूटन पर mm² में निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या है, ये AST की वैल्यू निकलेगी आपकी 461.54 × h, ये भी आपकी वैल्यू h के फॉर्म में आएगी। इसका फायदा ये रहेगा आपको कि एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ हाइट की वैल्यू वेरी करोगे तो आपको AST मिल जाएगा पर्टिकुलर हाइट के लिए। ओके, यही एक यहाँ पर आपको समय आपका बचा सकती है ये चीज़, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टेबल बना लेना है। टेबल के अंदर क्या करना है, आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कॉलम बना लीजिए। आपको डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ज़रूरी नहीं है आपको इन्हीं डिफरेंस के ऊपर, इन्हीं डिस्टेंस के ऊपर, इन्हीं हाइट के ऊपर आपको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको 2 मीटर पर कैलकुलेट करना है और 4 मीटर पर कैलकुलेट करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 1 मीटर पर करना है और 4 मीटर पर करना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको इन्हीं डिस्टेंस के ऊपर, इन्हीं हाइट के ऊपर कैलकुलेट करना है। चलिए, तो हमने अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर के लिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना होगा, तो आप ये जो आपके पास फॉर्मूला था इसके अंदर सिर्फ हाइट की वैल्यू मतलब 1 रखो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 461, ठीक है, इंटू 1 करोगे तो। तो अब ये जो आपका स्टील आया 1 मीटर के ऊपर, ओके, ये आपको दोनों फेसेस के अंदर प्रोवाइड करना होता है। दोनों फेसेस मतलब कैसे, ये आपकी वॉल जो होती है, मान लीजिए आपकी वॉल है, ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसे सेंटर से कट करूँ इस तरह से, ठीक है, अगर सेंटर से कट करूँ तो एक फेस ये हो जाएगा और दूसरा फेस ये हो जाएगा। और हमेशा आपको याद रखना चाहिए, और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता रखी है बात, कि जिस तरफ से टेंशन लग रहा है उसी तरफ से हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर टेंशन किधर से लगेगा, इनसाइड से,
ओके मतलब लिक्विड फेज की तरफ से जिस तरफ पानी है उस तरफ से टेंशन लगेगा, ओके लिक्विड फेज की तरफ से यहाँ पर प्रेशर लगेगा तो आपको क्या करना होगा, लिक्विड फेज के ऊपर यहाँ पर टेंशन स्टील को प्रोवाइड करना होगा। अब लिक्विड फेज के ऊपर स्टील प्रोवाइड करना होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड फेज की थिकनेस कितनी है, ये हम फर्दर देखेंगे, लेकिन आपको आप इतना अभी इतना जान लीजिए कि आपको क्या करना होगा, एक फेज के ऊपर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, डिवाइड बाय टू कर दीजिए इसको, इसको डिवाइड बाय टू करोगे आप तो ये पता चलेगा आपको कि भाई एक फेज पर आपको 230.76 mm² स्टील प्रोवाइड करना है। आई बस समझ में, सिंपल। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो इजीली, ओके ये जो एक फेज है यहाँ पर आपको 230 mm समथिंग प्रोवाइड करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो अगर हमने 2 मीटर की हाइट पर कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इंटू टू कर दीजिए। सिमिलरली आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। और अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कितनी किस तरह से करना है, तो जैसे आप पिछले कुछ वीडियो के अंदर पिछली डिज़ाइन के अंदर करते आए हो वैसे ही आपको ASTM जो भी है आपको इसके अकॉर्डिंगली जो है ये जो आप एक फेज पे कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली जो है बार को प्रोवाइड करना है, ना कि इस टोटल एरिया के हिसाब से, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंगली बार को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर 8 mm डाया पर आप प्रोवाइड कीजिए आप 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, तो जो आप प्रोवाइडेड ASTM यहाँ पे होगी 239 mm². सिमिलरली आप 2 मीटर के लिए कीजिए, 3 मीटर के लिए कीजिए, 4 मीटर के लिए कीजिए। तो आपको इस तरह से क्या होगा कि पर्टिकुलर हाइट पे जितने स्टील की रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टील आप वहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर आपका वेस्ट ऑफ मटेरियल बिल्कुल नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि थ्रू आउट द वॉल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन आपने इस वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड कर दिया है बट अभी जो वॉल के डायमेंशन थे आपको सिर्फ हाइट पता है, आप कितनी थिकनेस के अंदर ये प्रोवाइड कर रहे हो जो स्टील, ठीक है। आपको आपने बताया कि एक फेस के लिए आपको स्टील प्रोवाइड करना है, लेकिन ये फेस कितनी थिकनेस का है आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी वॉल की थिकनेस कितनी है, ओके। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। अब ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से जो हमने टॉप रिंग बीम के अंदर फॉर्मूला यूज़ किया था IS 456 का, सिग्मा CD इज इक्वल टू T/Ag + M-1 × ASTM, वही प्रोसीजर वही कंसेप्ट आपको यहाँ फिर से रिपीट करना है और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको T की वैल्यू निकालनी है, मतलब थिकनेस निकालनी है उसकी, ठीक है। देख लिए सिग्मा CD की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कि रिस्ट्रिक हमें लिमिट दे रखी है 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़िया, हम बात करते हैं टी की, तो टी क्या यहाँ पे होगा, टी जो है ये आपको मैक्सिमम लेना है। टी क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। आपको पता है कि टी मैक्सिमम कहाँ होता है, बेस पर होता है, मतलब 4 मीटर की हाइट पर होगा टॉप से, ओके। तो टॉप से 4 मीटर की हाइट पर मैक्सिमम बेस होगा, मतलब 240 kN होना है, ठीक है। AG जो होता है यहाँ पर B × D होता है, या फिर हम कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर थिकनेस को टी मान लेते हैं, ठीक है, तो B × T होगा, ओके। AG इज नथिंग बट B × T। M-1 मतलब मॉड्यूलर रेशियो -1, और AST जो है प्रोवाइडेड है। AST कौन सा है ये, तो जो आप 4 मीटर के ऊपर AST प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये वो AST, ठीक है। आपने जो यहाँ पर एक फेज के लिए 942 प्रोवाइड किया था, ठीक है, तो ये AST आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और दोनों फेसेस के लिए आपको जो कंसिडर करना है, कितने फेज के लिए करना है, 2 फेसेस के लिए आपको AST कंसिडर करना होगा, इसलिए आपको इंटू टू करना होगा यहाँ पर, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है यहाँ पर, तो चलिए आपको फिर से यहाँ पर रिलेशन मिलेगा इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद, ओके। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो आपको 240 × 10³ दैट शुड बी लेस देन 23,540.58, ओके, ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन फिर से मिल गया कि भाई टी की वैल्यू जो है 144.30 से ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। टी की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी होनी चाहिए, 144.30 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई बेस पर जो है हम टी की वैल्यू जो है वो 200 mm प्रोवाइड कर देते हैं, और टॉप पर जो है 150 mm, जो कि दोनों वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ओके, इससे ज़्यादा होनी चाहिए दोनों वैल्यू। तो हमने किया, ओके, टॉप में हमने 150 प्रोवाइड किया, चलिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और खड़ी होती है कि भाई आप अलग अलग आपने प्रोवाइड कर रखे हैं तो हाइट वेरी हो रही है, ठीक है। अब कितनी हाइट वेरी हो रही है, इसका डिज़ाइन, इसका कंस्ट्रक्शन फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, हमें इन दोनों का एवरेज लेना होता है। एवरेज से क्या होगा कि आपका जो हाइट है
जो थिकनेस है वो आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो एवरेज अगर ले लें हम तो 175 आएगा इसका एवरेज, मतलब आपको टॉप से लेके बॉटम तक जो थिकनेस आप प्रोवाइड करोगे थ्रू आउट द वॉल वो आपको 175 mm प्रोवाइड करनी है। और ये जो है ये ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल थिकनेस है, ठीक है। हम इसे कैपिटल डी या फिर हाँ ओवरऑल डेप्थ हम इसे कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं, ओके। चलिए तो ये आपको क्या हुआ, क्या पता चला कि टोटल थिकनेस कितनी है 175 mm। ये आपने क्या किया, थिकनेस निकाला और उसके अंदर जो मेन स्टील था वो हमने निकाल लिया, लेकिन इस वॉल के अंदर आपको अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड करना बाकी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील किस तरह से, कितना, कहाँ, क्यों प्रोवाइड करना होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि इसके अंदर इस तरह की जो टैंक होती है इसके अंदर जो वॉल होती है बेस पर h/3 हाइट पर, ठीक है, बेस से बॉटम से कैपिटल h/3 हाइट तक जो आप वॉल डिज़ाइन करते हो यहाँ आपको उसे कैंटिलीवर डिज़ाइन करना होता है एज अ कैंटिलीवर एक्शन। तो उस कैंटिलीवर के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कैंटिलीवर मोमेंट वहाँ पे क्रिएट होगी, अब कैंटिलीवर मोमेंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैंटिलीवर मोमेंट जो होती है वो क्या होगी, मोमेंट का फॉर्मूला तो सिंपली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू cg, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला यहाँ पर नया एक्सप्रेशन निकल के आता है, ठीक है, ये नया एक्सप्रेशन निकल के आता है, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू एच बाई थ्री, या फिर आप इसे और भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो, आप h1 कहो या फिर स्मॉल h कहो या जो आपको कहना हो, ठीक है। तो h/3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ये एक्सप्रेशन कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये डिराइव्ड एक्सप्रेशन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू cg, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू एच बाई थ्री होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। चलिए तो यहाँ पर h/3 की वैल्यू कितनी होगी, 4/3, 4 हमारे पास क्या है, हाइट है, ठीक है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1.33 मीटर आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी कैंटिलीवर मोमेंट कितनी लग रही है उस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर। अब ये जो हाइट है, मान लीजिए आपकी टैंक है, ठीक है, ये आपकी टैंक है, तो इस टैंक के अंदर जो h/3 हाइट है वो इतनी हाइट होगी यहाँ पर, ठीक है, जिसको पता ना चला हो वो एक बार यहाँ पर देख ले, ओके, ये h/3 इतनी हाइट होगी, ठीक है। तो इस हाइट तक आपको क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा इसका, इस हाइट तक आपको जो है एज अ कैंटिलीवर पोर्शन डिज़ाइन करना होगा। तो कैंटिलीवर मोमेंट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी होगी, 11.84 किलो न्यूटन इंटू मीटर आपकी कैंटिलीवर मोमेंट आ रही है, आपको AST यहाँ पर जो है उस कैंटिलीवर मोमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब कैंटिलीवर मोमेंट के अकॉर्डिंगली या फिर मोमेंट के अकॉर्डिंगली जब भी आप AST प्रोवाइड करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है m/σ st इंटू j/d। मैंने आपसे इसीलिए पहले प्रीवियस स्टेप के अंदर जिक्र किया था कि जब भी आपको टेंशन के लिए प्रोवाइड करना है स्टील तो t/σ st होता है, लेकिन जब आप मोमेंट के लिए स्टील प्रोवाइड कर रहे हो तो ये फॉर्मूला होता है m/σ st (j/d), ठीक है। यहाँ पर m जो है वो भी नोन है, σ st वो हमें पता है इस कोड के अकॉर्डिंगली, j की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप part 1 इस वीडियो सीरीज का देखोगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, मैं यहाँ पे फिर से इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। जे की वैल्यू जो होती है वो 8.6, आपको बता दो जे इज नथिंग बट द 1 - k/3, और k जो होता है वो क्या होता है वो आप उस वीडियो के अंदर जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो j इंटू डी, ओके, j की वैल्यू 0.861 होगी, इंटू डी जो है ये स्मॉल d है, ठीक है। हमने ये क्या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वॉल है या फिर इफेक्टिव थिकनेस हम कह सकते हैं, हमने जो फाइंड आउट कर रखी थी वॉल की थिकनेस वो 175, दैट इज़ ओवरऑल, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ओके। तो ओवरऑल में से हमें क्या करना होता है, इफेक्टिव कवर को माइनस करना होता है तब जाके हमें इफेक्टिव मिलती है। तो 125 इफेक्टिव थिकनेस या फिर इफेक्टिव डेप्थ मिल गया हमें उस वॉल की, तो आप 125 यहाँ पे यूज़ कर लिए, ओके। तो इसके लिए आपको AST फॉर मोमेंट मिलेगी यहाँ पर 846.24 mm², बस आप इसके अकॉर्डिंगली क्या करो यहाँ पर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर दीजिए, बार अपने हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो, 10 mm 12 mm जो भी आपको प्रोवाइड करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। स्पेसिंग आपके बार के अकॉर्डिंगली आ जाएगी और AST प्रोवाइडेड भी आपके बार और स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको जो है टैंक वॉल को डिज़ाइन करना है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट या क्वेरी आपको हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, थोड़ा भी समझ आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो बाकी के कंपोनेंट अभी बचे हैं
बेस बेस स्लैब है, बॉटम रिंग बीम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? तो बी अपडेटेड विथ टेक्निकल सिविल। थैंक यू।